नमस्कार, मेरा नाम दर्पण आनंद है और मैं कंप्यूटर साइंस विभाग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस चर्चा का विषय है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या DES। DES मोस्ट वाइडली यूज इंक्रिप्शन स्कीम है। DES का अर्थ है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। DES का अगर आप लोग इस लेआउट को देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर दो प्रोसेस पैरेलल में चल रहे हैं। एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम लोग की जनरेट कर रहे हैं और दूसरे प्रोसेस में हम लोग प्लेन टेक्स्ट को ऑपरेट करवा रहे हैं इस की से। इसका अर्थ यह हुआ कि आप देख रहे हैं कि राउंड 1 से लेकर राउंड 16 तक एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो 16 राउंड्स के लिए जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आएगा, उन प्लेन टेक्स्ट के लिए हमें 16 की आवश्यकता होगी। लेकिन की तो एक ही है और प्लेन टेक्स्ट भी एक ही है, तो उसी प्लेन टेक्स्ट और उसी एक ही की को प्रयोग में लाकर हम 16 राउंड के लिए टेक्स्ट और 16 राउंड के लिए की को स्टैब्लिश करते हैं और ऑपरेट करवाते हैं और अंत में हमें फिर 64 बिट का ही साइफर टेक्स्ट प्राप्त होता है। पहली बात, DES एक ब्लॉक साइफर टेक्निक है जिसमें हम डेटा को ब्लॉक की फॉर्म में लेंगे और वो ब्लॉक 64 बिट का ब्लॉक होगा। दूसरा, फेस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर DES डिपेंड है। फेस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राउंड्स होते हैं और किस प्रकार से हम शफलिंग करते हैं डेटा की। तो अब इसको हम समझते हैं। 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट आता है और 64 बिट की ही की आती है। इनिशियल परमुटेशन प्रोसेस के बाद वो 64 बिट का 64 बिट में ही हमें आउटपुट प्राप्त होता है। वहीं पर परमुटेशन चॉइस 1 अप्लाई करने के बाद हमारी 64 बिट की हमें 56 बिट की में मिलती है। 56 बिट की के ऊपर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई करने के बाद हमें 56 बिट की मिलती है और फिर परमुटेशन चॉइस 2 प्रोसेस अप्लाई करने के बाद वो 56 बिट की हमको 48 बिट की में प्राप्त होती है। इसी तरह से पूरे के पूरे आप देखेंगे 16 राउंड चलेंगे, जिस राउंड्स में हमें लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई करना पड़ेगा 56 बिट मिलेगा, वो 56 बिट 48 बिट में PC2 या परमुटेशन चॉइस 2 के माध्यम से बदलता जाएगा और 16 राउंड के बाद हम 32 बिट का स्वैप अप्लाई करते हैं। 32 बिट के स्वैप अप्लाई करने के बाद हम इनवर्स परमुटेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तब हमको 64 बिट का साइफर टेक्स्ट मिलता है। तो ये कुल मिला के DES एल्गोरिदम है। तो DES एल्गोरिदम को समझते हैं। DES एल्गोरिदम में दो मुख्य इनपुट्स हैं, एक है प्लेन टेक्स्ट जिसको हमें इंक्रिप्ट करना है या जिसे सिक्योर करना है, दूसरा की जिसके माध्यम से सिक्योर करना है। प्लेन टेक्स्ट 64 बिट का होगा और की भी 64 बिट की होती है, लेकिन इसे 56 बिट की इसलिए कहा जाता है क्योंकि PC1 अप्लाई करने के बाद 56 बिट में बदल जाती है। मतलब जब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में अप्लाई होती है तो 56 बिट की अप्लाई होती है। मुख्यतः तीन फेजेस हैं DES एल्गोरिथम के, इनिशियल परमुटेशन, राउंड प्रोसेस और इनवर्स परमुटेशन फंक्शन। इनिशियल परमुटेशन में हमारे पास जो 64 बिट का ब्लॉक है उसको हम रीअरेंज करते हैं, उनके बिट्स को हम रीअरेंज करते हैं, परम्यूट करते हैं इनपुट को। राउंड प्रोसेस के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूशन, एक्सपेंशन और की एप्लीकेशन को अप्लाई करवाते हैं और राउंड फंक्शन के बाद हम लोगों के जो 16 राउंड चलते हैं उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है उसको 32 बिट का स्वाइप करवाने के बाद इनवर्स परम्यूटेशन फंक्शन अप्लाई कराते हैं। जो इनवर्स परम्यूटेशन फंक्शन के बाद हमको आउटपुट मिलता है वो हम साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में सेंडर को भेज सकते हैं। अब हम एक एक प्रोसेस को आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से आपका इनिशियल परम्यूटेशन चलता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इनिशियल परम्यूटेशन IP मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो 64 स्पेसेस या 64 प्लेसेस यहां पर दिखाई गई हैं, लेकिन उसको शफल कर दिया गया है। अब आप इसी प्रकार से अगर 64 बिट की मैट्रिक्स बना लें, मतलब ये हुआ 1 से लेकर 64 नंबर तक की बिट को लें, तो जिस जिस नंबर पर जो जो लिखा हुआ है, जैसे अगर आप 1 देखेंगे तो वो 8वें कॉलम की 5वीं पोजीशन पर आप 1 देख रहे हैं, तो इसी तरह से पहली बिट को वहां पर लगाना है। 8वें कॉलम की पहली जो है वो 2 है, फिर ऐसे 3, 4, तो जो जो पोजीशन दी गई है
उस बिट को वहां लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बिट की पोजीशंस बदल गई और बिट्स रीअरेंज हो जाएंगी। इसी का अपोजिट जो है वो इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन होता है। इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन मैट्रिक्स की भी आप वैल्यू इस चित्र में देख रहे हैं, उसके आधार पर ही हम अगेन बिट्स को प्लेस करते हैं तो हमको एज एन आउटपुट साइफर टेक्स्ट मिल जाता है। तो मैं समझता हूं आपको इनिशियल परम्यूटेशन और इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन का समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, अगली टेबल्स कैसे काम करती हैं। अगला जो ये है, ये एक राउंड कैसे काम करता है वो प्रोसेस यहां पर समझाया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो 64 बिट आती है इनिशियल परम्यूटेशन के बाद, उसको हम 32 32 की बिट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 32 कहलाएंगे लेफ्ट और 32 कहलाएंगे राइट। तो राइट की जो पार्ट है बिट्स का 32 बिट का, उस पर हम एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं ई टेबल के माध्यम से। ई टेबल क्या होती है, इस चित्र में आपको ध्यान आ रहा होगा, ई टेबल हमारे पास 32 तो बिट है लेकिन आप देखेंगे एक लेफ्ट में और एक राइट में हमने 8-8 बिट जोड़ दी, तो 16 बिट हमने एक्स्ट्रा जोड़ दी। तो ई टेबल में हमारे पास आई थी 32 और 16 हमने जोड़ दी, तो हमें कितनी मिली, 48 बिट हमें एक्स्ट्रा मिल गई। लेकिन उसमें हमने बिट को रिपीट किया है, मतलब हमने एक्स्ट्रा बिट कहीं से नहीं लाई है, जो हमारे पास 32 बिट थी उन्हीं 32 बिट की कुछ पोजीशंस को हमने राइट में और कुछ पोजीशन बिट को हमने लेफ्ट में ऐड कर दिया। तो हमको ई टेबल के माध्यम से 48 बिट का आउटपुट मिल गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम परम्यूटेशन चॉइस 2 के माध्यम से हमें जो की मिलती है वो 48 बिट की मिलती है। तो 48 बिट की और 48 बिट के एक्सपेंशन टेबल के बाद का आउटपुट ये एक्सोर ऑपरेशन के माध्यम से 48 बिट का मिलता है। और इस 48 बिट के आउटपुट को हम एस बॉक्सेस के माध्यम से अगेन 32 बिट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये एस बॉक्सेस क्या होते हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से कि 8x6 की एक मैट्रिक्स बनेगी एस बॉक्सेस के लिए। तो आपको 8 एस बॉक्सेस चाहिए होंगे, 8 एस बॉक्सेस की हमें आवश्यकता होती है, जिन्हें हम S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8 कहते हैं। हर एस बॉक्स में 6 बिट का इनपुट आता है और एस बॉक्स उसको 4 बिट के आउटपुट में बदल देता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है एस बॉक्सेस जो DES के हैं, इसमें आप देखेंगे कि पूरी एक टेबल बनी हुई है 4x16 की, 4x16 की मैट्रिक्स बनी है। इसमें करते कैसे हैं वो समझने वाली बात है। जैसे एस बॉक्सेस में इस उदाहरण में समझाया गया है कि 011001 उदाहरण के लिए हमारे पास आया, तो ये S1 के लिए अप्लाई हुआ, माने जो 8x6 की मैट्रिक्स हमारे पास आई थी एस बॉक्सेस के पास आफ्टर एक्सोर, उसमें जो पहली रो आई वो हमारे लिए एस बॉक्सेस की S1 बॉक्स के लिए आई। तो जो साइड की दो बिट हैं 0 और 1 वो आपकी हो गई रो, और बीच की जो 4 बिट हैं वो हो गया आपका कॉलम। तो इस केस में द वैल्यू ऑफ रो इज 1 और वैल्यू ऑफ कॉलम इज 12। तो अगर आप पहली रो के 12वां कॉलम देखेंगे तो आपको 9 मिलेगा, और 9 को अगर 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1001 हमें मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि S1 बॉक्स के माध्यम से हमने 6 बिट के इनपुट 011001 को 1001 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम बाकी के जो 6 कॉलम है उस पर भी हम एस बॉक्स अप्लाई करेंगे, और हमको आप देखेंगे कि हर 6 बिट का 4 बिट आउटपुट मिलेगा। 8 टोटल हमारे पास कॉलम से, तो 8×4=32, तो हमें अगेन 32 बिट हमें मिल जाएंगी, जो कि हमें इस चित्र में दिखाया गया है। इस 32 बिट के बाद हम लोग पी बॉक्स परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पी बॉक्स आपको दिखाया गया है। इस पी बॉक्स में आप लोग देखेंगे कि एक मैट्रिक्स बनी हुई है, हमें पी बॉक्स में इस मैट्रिक्स की प्लेसेस के हिसाब से बिट्स को अरेंज कर देना है। तो ये पी बिट जो है हमको क्या देंगी, 32 बिट का आउटपुट देने वाली हैं। फिर इन 32 बिट को एक्सोर करेंगे लेफ्ट में बची हुई 32 बिट से, जो शुरुआत में हमने यूज ही नहीं करी थी, वो हमारी नेक्स्ट राउंड के लिए क्या बनेंगी, राइट बिट, और राइट वाली जो बिट है वो हमारे पास लेफ्ट बिट में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 64 बिट का आउटपुट मिल जाएगा, जो कि अगेन इसी प्रकार के 16 राउंड से होता हुआ एंड में पहुंचेगा, जहां पर हम 32 बिट का स्वैप और इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। इन प्रोसेस के माध्यम से हम लोग की
और की के साथ साथ ही हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं। अब की जनरेशन का जैसे मैंने पहले बताया, उसको भी हम इस माध्यम से जान सकते हैं कि 64 बिट की को परम्यूटेशन चॉइस 1 के माध्यम से 56 बिट में बदलेंगे, और फिर सर्कुलर शिफ्ट के माध्यम से 56 बिट पीसी 2 पर जाएंगी और परम्यूटेशन चॉइस 2 उसको 48 बिट में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे ये काम करता है, जैसे कि आप देखेंगे इनपुट की हमारे पास 64 बिट की आई, उसमें से एक कॉलम हमने छोड़ा तो हमारे पास मिले 56 बिट। इस 56 बिट को हमने PC1, इस तरह से PC1 पर अप्लाई करके प्राप्त किया। और सर्कुलर शिफ्ट के लिए हमारे पास एक शेड्यूल है कि पहले राउंड में एक, दूसरे राउंड में एक, तीसरे राउंड में दो, चौथे राउंड में दो, इस प्रकार से हमें कितना शिफ्ट करना है, सर्कुलर शिफ्ट करनी है, वो हमें यहां पर बताया गया है। तो इसी माध्यम से हम लोगों को बिट को शिफ्ट करना है। और फिर इसका PC2 है, इस PC2 में पोजीशंस पर अगर आप बिट सेट करेंगे तो आपको 48 बिट की हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे DES काम करती है। और अंत में डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड अपने आप में एक बहुत सिक्योर एल्गोरिदम है जिसका यूज बहुत सारे इंटरनेट बैंकिंग और कई अन्य माध्यमों में किया जाता है, जिससे कि हम डेटा को और सिक्योर बना पाए। धन्यवाद।